हे वेलकम बैक टू द सीरीज हाउ रिच पीपल थिंक। और आज का वीडियो दूसरा वीडियो है इस सीरीज का, जहां पर हम मिडिल क्लास लोग और वर्ल्ड क्लास लोगों में पैसों को लेकर क्या बिलीव्स है, उनके थिंकिंग हैबिट्स, थिंकिंग पैटर्न्स में कितना बड़ा गैप है, यही समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का डिफरेंशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि मिडिल क्लास थिंक्स अबाउट मनी इन लीनियर टर्म्स, लेकिन वर्ल्ड क्लास थिंक्स अबाउट मनी इन नॉन लीनियर टर्म्स। इसका मतलब समझाता हूँ। मिडिल क्लास लोग टाइम को लेकर व्यापार करते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम यह कहता है कि पैसा ज़्यादा कमाना हो तो ज़्यादा टाइम काम करना पड़ेगा। वो ये मानते हैं कि पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टाइम। अगर आप ज़्यादा टाइम काम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि पैसों को लीनियर तरीके से कमाना है। इसीलिए उनका ज़्यादा फोकस ओवरटाइम्स, बोनस, सैलरी रेस, हाइक, इंसेंटिव, इसी चीज़ पर रहती है। लेकिन वर्ल्ड क्लास लोग टाइम को लेकर व्यापार बिल्कुल नहीं करते हैं। वो इन्वेस्ट करते हैं अपने आइडियाज़ के ऊपर, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस के ऊपर, क्योंकि उनका ये मानना होता है आइडियाज़ तो अनगिनत आएंगे दिमाग पर। There will be unlimited ideas popping up from our mind. इसीलिए unlimited number of पैसा भी कमाया जा सकता है, क्योंकि एक बड़े से बड़ा business एक बड़े idea से बनता है, और एक idea काफ़ी है आपकी ज़िंदगी बदलने में। बस आपको ये non-linear phenomena समझ आ जाए। आपकी अब तक की thinking middle class थी या फिर world class थी, ये हमें comment करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन्हें भी रिच थिंकिंग हैबिट्स के बारे में पता चले। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस और आप तक पहुंच सके।